हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यश की बगिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, स्नेह बहुत मिल रहा है और आपके शानदार कमेंट से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, सेप्टेम्बर मंथ में हमें अपने सभी प्लांट्स में कोई ना कोई खाद ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, डालनी चाहिए। साल में दो बार हमें अपने प्लांट्स में सभी प्लांट्स को अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए कोई ना कोई खाद कंपोस्ट ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और ऑर्गेनिक हो तो और भी बेस्ट बात होती है। एक ऑर्गेनिक खाद हम घर में ही बनाएंगे, जिसे NPK भी कहते हैं। बाज़ार से ये केमिकल के रूप में मिलती है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केमिकल हम जब यूज़ करते हैं कोई भी खाद तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में कुछ समय बाद कुछ कमी आ जाती है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट खाद जो भी है यूज़ करें। इसके लिए मैं घर में ही अपने किचन से बन निकली हुई NPK का इस्तेमाल करूँगी। वही मैं कैसे बनाऊंगी वही सब मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ये नाइट्रोजन के रूप में NPK, जैसे कि मैंने कहा है ये NPK के रूप में ये नाइट्रोजन हमें, ये चाय पत्ती है जो हमें छनी हुई सूखी हुई हम फेंक देते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। धो के हम इसको सुखा लेंगे, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसका प्रयोग हम करेंगे। और सेकंड नंबर पे ये बनाना पील है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पोटाशियम होता है जो हमारे प्लांट्स की रूट्स के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। इसको भी हम सुखा लेंगे और ये आप देख रहे होंगे अंडे के छिलके हैं जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको फास्फोरस मिल जाएगा जो हमारी प्लांट्स की टहनियों के लिए, रूट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये प्याज के छिलके हैं जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटाश भी होता है। इन चारों चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं, धो के सुखा लें और इसको अच्छी मात्रा में आप इसको मिक्सी में पीस लें, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप छनी हुई चाय पत्ती को और अंडे के छिलकों को और ये बनाना पील्स है, ये प्याज के छिलके हैं, इन सभी को अच्छे से धूप में सुखा लें। इस प्रकार आप देख रहे होंगे ये धूप में अच्छे से सुखा दें। सुखाने के बाद इसको मिक्सी में पाउडर फॉर्म में इस प्रकार से पिस जाता है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनिक आपको NPK मिल गया है। इसे आप अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं, एक चम्मच आप अपने नियमित रूप से भी दे सकते हैं और साल में दो बार तो आपको एक दो मुट्ठी इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप इसे अपने गमले की मिट्टी को गुड़ाई करें और इसको एक चम्मच आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक NPK आपके प्लांट्स को मिल गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक हेल्दी ऑर्गेनिक आपके प्लांट्स को टॉनिक मिल गया है जो बिल्कुल ही वेस्ट चीज़ों से हमने इसको बनाया है, ये आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।